तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों के बीच में से चल रहा होता है और वो एक लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम होता है असाका। तभी उस बच्चे के सामने एक दरवाजा खुलता है जहाँ पर एक लड़की ने असाका की कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई होती है। तभी वो लड़का उसके पास जाता है और ये कहता है कि असाका मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। असाका उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उस बच्चे से कहती है योगिरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो पीछे वाली लड़की कहती है अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो बताओ वरना मैं इसे उड़ा दूंगी। लेकिन तभी अचानक ये लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि योगिरी असाका को गले लगा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब योगिरी का सपना होता है और जैसे उसकी आंख खुलती है तभी उसे एक लड़की जगा रही होती है। योगिरी उठकर कहता है अरे यार मैं कहां पर हूं और तुम कौन हो। तभी वो लड़की अपना नाम डोरो बताती है और ये कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हम कहां पर आ गए हैं। फिर वो लड़की पीछे की तरफ इशारा करती है जहां पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर एक काफी खतरनाक ड्रैगन होता है जो कि उनकी बस पर अटैक कर ही रहा होता है जिसको देखने के बाद डोरो काफी ज्यादा डर जाती है और योगिरी से चिपक जाती है। तभी हम देखते हैं कि योगिरी कुछ बोलता है जिसके बाद वो ड्रैगन अचानक से गिरकर मर जाता है जिसके बाद योगिरी अपनी वीडियो गेम निकालकर खेलने लग जाता है और डोरो से कहता है कि अब शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर योगिरी और उसके सारे फ्रेंड्स एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और जैसे उनकी बस टनल के अंदर जाती है वो इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो यहाँ पर आए कैसे। तभी अचानक बस के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शीला, शीला की जवानी, और वो उनसे कहती है कि मैं एक मैजिशियन हूँ और तुम सब मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो काफी बुरा हो सकता है और मेरी अटैक की पावर भी काफी ज्यादा है तो गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो ये बताती है कि मैंने तुम सबको यहाँ पर एक मैजिक कैंडिडेट के रूप में बुलाया है और उसके बाद वो मैजिक करने लगती है और उसके हाथ में से काफी खतरनाक रोशनी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट के अंदर से भी रोशनी निकलने लगती है। लेकिन डोरो ये देखती है कि उसकी बॉडी में से कोई भी रोशनी नहीं निकल रही होती। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने तुम सबके अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और तुम अपने सामने अपने स्टैट्स को देख सकते हो। जिसके बाद सारे बच्चे अपने स्टैट्स को देखने लग जाते हैं लेकिन डोरो ऐसा नहीं कर पाती। तभी शीला कहती है कि तुम सबको अपनी मैजिक पावर बढ़ानी है और तुम्हारे पास सिर्फ एक महीने का ही टाइम है। जिसके बाद डोरो शीला से ये पूछती है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सभी के अंदर से लाइट आ रही है और सभी को अपने स्टैट्स दिख रहे हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं। तभी शीला कहती है कि अरे यार तुम्हारे साथ तो काफी बुरा हुआ, मुझे ये लगता है कि तुम्हारे स्टैट्स काफी ज्यादा कम है। फिर हम देखते हैं शीला उनसे कहती है कि तुम सबका मिशन एक घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक लड़की डोरो को ये बताती है कि मुझे यहाँ पर अपना मिशन दिख रहा है कि हमारे ऊपर कुछ देर के बाद एक ड्रैगन अटैक करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक लड़का आता है, वो ये कहता है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, तुम सबके स्टैट्स जो भी है तुम सब मुझे बताओ। जिसके बाद वो सारे बंदे अपने स्टैट्स को लिखकर उस बंदे को दे देते हैं लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी ग्लो नहीं कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे बस से नीचे उतर जाते हैं लेकिन डोरो योगिरी को उठाने के लिए बस के अंदर रुक जाती है जो कि अपने घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बस के अंदर एक बंदा आता है जो कि उनके सामने चेयर्स को लगा देता है और बस को लॉक कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद एक काफी खतरनाक ड्रैगन उनकी बस पर अटैक करता है जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट के अंदर आता है जिस पर योगिरी ये कहता है कि अच्छा ये बात है ये सब हुआ था और मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रैगन था जो अब मर चुका है तो हमें बाहर कोई भी खतरा नहीं होने वाला। जिसके बाद वो दोनों बस से बाहर आ जाते हैं लेकिन उनके सामने अलग अलग चॉइसेस होती हैं। एक तरफ जंगल होता है, एक तरफ पहाड़ होते हैं और एक तरफ एक गांव। ये दोनों अभी आपस में बात ही कर रही होती हैं तभी डोरो ये कहती है कि वो देखो आसमान में कोई उड़ता हुआ नजर आ रहा है, अरे ये तो हमारे क्लासमेट्स हैं। जिस पर योगिरी कहता है क्या मैं इन्हें मार दूं, इन सब ने हमें ड्रैगन के पास मरने के लिए जिंदा छोड़ दिया था तो मैं सोच रहा हूं इनको टपका देता हूं। जिसके बाद वो तीनों लड़के नीचे आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का जिसका नाम हीगा होता है वो अपनी फायर एबिलिटी से उन पर अटैक करता है जो कि डोरो की बिल्कुल साइड से निकलती है। जिसके बाद वो तीनों लड़के डोरो को परेशान करने लगते हैं तभी योगिरी ये कहता है कि बहुत हुआ अब बारी आती है इन तीनों को सबक सिखाने की। अगले सीन में हम देखते हैं कि योगिरी हीगा की तरफ उंगली करता है और ये कहता है कि मर जाओ, जिसको सुनने के बाद वहां पर खड़े सारे बंदे हंसने लगते हैं और ये कहते हैं ऐसे कैसे कोई मर सकता है। लेकिन तभी अचानक हीगा नीचे गिर जाता है जिसको देखने के बाद उसके दोस्तों की पैंट भी गीली हो जाती है। योगिरी उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था हमसे पंगे मत लो और अपनी जगह से हिलना मत। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा हीगा को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, योगिरी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना, और योगिरी उसे भी मरने के लिए कहता है और वो बंदा भी वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वहां पर खड़ा हुआ वो मोटा लड़का काफी ज्यादा डरने लगता है, योगिरी उससे कहता है कि अगर तुम भी हिले तो तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। लेकिन तभी वो मोटा लड़का जिसका नाम हाना होता है वो नीचे बैठकर ये चेक करने की ट्राई करता है कि ये दोनों असली में मर गए हैं या फिर जिंदा हैं। लेकिन अपनी चालाकी से वो उन दोनों पर अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने लगता है लेकिन उसके हीलिंग मैजिक का इन दोनों पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद योगिरी ये बताता है कि अब तो तुम समझ ही गए होंगे ना, अगर मैं किसी के मरने के बारे में सोचता हूँ तो वो बंदा आराम से मर जाता है, ऐसे ही ड्रैगन मरा और ऐसे ही तुम्हारे दोस्त, और अगर तुम्हें अब भी मेरी एबिलिटी पर कोई शक है तो मैं तुम पर ट्राई कर सकता हूँ। जिस पर हाना कहता है नहीं 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 मैं तो समझ गया तुम्हारी बात, मुझ पर ट्राई मत करो। और उसके बाद हाना उन दोनों के पास आने लगता है, वो ये सोचता है कि मैं पास जाकर इन
पर अटैक करूंगा। लेकिन जैसे ही वो योगिरी के पास जाता है, योगिरी उसे रोक लेता है और ये बताता है कि मेरे पास एक और एबिलिटी है, मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि कौन बंदा मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। अगर कोई बंदा मुझे मारने के बारे में सोच रहा है तो मैं उसको भी आराम से मार सकता हूँ, तो ज्यादा चलाक बनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हाना परेशान होकर नीचे बैठ जाता है। योगिरी उससे पूछता है कि तुम भी तो हमारे साथ इस वर्ल्ड में समन हुए हो और तुम्हारे पास इतनी सी पावर है, तो तुम इतना उछल क्यों रहे हो। जिसके बाद हाना ये बताता है कि यार मैं पहले भी इस वर्ल्ड में समन हो चुका हूँ डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। जिस पर योगिरी कहता है कि इसका मतलब तुम इस दुनिया में पहले भी आ चुके हो और तुम डीमन लॉर्ड को हराकर वापस जा चुके हो, इसका मतलब हम भी वापस जा सकते हैं। जिसके बाद योगिरी उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी हाना अपनी पॉकेट में से एक मैजिक रिंग निकालता है और ये कहता है कि मुझे मत मारो, मैं डोरो का गुलाम बनकर रहूंगा। अभी यार ये जोरू का गुलाम तो सुना था, डोरो का गुलाम क्या होता है। इसके बाद हाना ये कहता है कि मेरे पास जो रिंग है, अगर मैं इसे अपनी गर्दन में पहन लूं तो मैं डोरो की हर बात मानूंगा। और वो ऐसी करता है और डोरो के पास आने लगता है। डोरो से मना करती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। जिसके बाद हाना की गर्दन में लगी हुई रिंग अपने आप चमकने लगती है और हाना अपने आप ही दूर होने लगता है। तभी डोरो से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा ऑनर चेंज कर सकती हूँ। जिस पर हाना ये कहता है कि हाँ तुम चाहो तो ऑनर को बदल सकती हो। ये सुनने के बाद डोरो योगिरी को उसका मास्टर बना देती है। तभी योगिरी कहता है कि चलो यार मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, वो तुम्हें सामने जंगल दिख रहा है ना, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ और तुम्हारे पास जो भी सामान है सारा सामान यहीं पर छोड़ के जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाना उसकी बात को मानने के लिए मजबूर होता है और जंगल की तरफ जाने लगता है और अपने पीछे काफी सारा खजाना छोड़ जाता है। जिस पर डोरो ये कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे तो ये मर जाएगा। योगिरी बताता है कि ये बंदा हमें कभी भी धोखा दे सकता है, तो इसके साथ यही होना चाहिए। डोरो ये कहती है कि ऐसे तो मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। जिस पर योगिरी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे धोखा दे भी देती हो तो कोई चक्कर नहीं है, मैंने खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है। इसको सुनने के बाद डोरो थोड़ी बहुत शर्माने लगती है। तभी योगिरी बताता है, अरे हाँ जब ड्रैगन ने हम पर अटैक किया था ना, तो तुमने मुझे पकड़ लिया था, तो तुम्हारी बॉडी मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट लगी थी, बस इसीलिए। जिसके बाद डोरो गुस्से से लाल होकर चिल्लाने लगती है और ये कहती है कि सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, किसी को प्यार व्यार नहीं चाहिए, सबको बॉडी चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शीला को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर आराम से सो रही होती है। तभी अचानक उसके पास एक बंदा आता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करने आया हूँ, सभी लोगों ने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है और इस मिशन के अंदर चार लोग मारे गए हैं। शीला को ऐसा लगता है कि वो चार लोग जो कमजोर थे वही मारे गए होंगे। जिस पर वो बंदा कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें से दो स्टूडेंट वो थे जो कि बिना रैंक वाले थे और दो एस रैंक वाले। इसके बाद वो बंदा ये कहता है कि इन सभी के मरने का कोई भी रीजन पता नहीं लगा है और ना ही इनकी बॉडी पर कोई निशान मिला है, कहीं ये इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं। जिस पर शीला ये कहती है, अरे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कहने के बाद वो भी घोड़े बेचकर आराम से सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरो और योगिरी एक टाउन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस टाउन का गेट अब बंद होने वाला था, लेकिन तभी ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर खड़े हुए गार्ड से बात करने लगते हैं, लेकिन उस गार्ड की बातें इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी वो गार्ड्स एक बंदे को लेकर आते हैं जो कि योगिरी और डोरो की बातों को समझ रहा था। वो बंदा ये कहता है कि तुम वही हो ना जो आज दोपहर को आए हो। योगिरी ये कहता है कि हाँ हम उनसे बिछड़ गए हैं और हमें उनके पास जाना है। वो बंदा ये कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें मना किया गया है कि तुम मैजिशियन के रास्ते में नहीं आ सकते। इसके बाद वो सारे आपस में बात करने लगते हैं और ये बंदा योगिरी को कुछ भी बताने से मना कर देता है और ये कहता है कि अगर ये लड़की चाहे तो मेरे साथ रुक सकती है। तभी डोरो योगिरी का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाने के बाद योगिरी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम वहाँ से भागी क्यों। डोरो ये कहती है कि मुझे इस बात का डर था कहीं तुम उसे भी मार ना दो। जिस पर योगिरी ये कहता है, अरे नहीं 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 मैं कोई किलर थोड़ी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आती है और उन दोनों से कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद वो सारे आपस में बात करने लगते हैं। तभी डोरो ये कहती है कि मुझे शाम तक ये पूरा का पूरा टाउन घूमना है। योगिरी कहता है कि चलो यार इसकी मदद ले ही लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोरो काफी ज्यादा शॉपिंग करती है, लेकिन तभी काफी सारे बंदे उन सभी को घेर लेते हैं और ये सारी की सारी मीरी की चाल थी। तभी योगिरी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। वो बंदा ये कहता है कि हाँ हमें पैसे तो चाहिए, लेकिन तुम जैसे कमजोर कैंडिडेट को तड़पाकर बेचने में हमें काफी मजा आता है, तो चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि योगिरी अपने पीछे खड़े हुए सभी बंदों को मरने के लिए बोल देता है कि मर जाओ। तभी उसके पीछे खड़े सारे बंदे मर जाते हैं और उसके सामने एक बंदा आता है, वो उसे कहता है कि तुम आधे मर जाओ, लेकिन वो भी पूरा का पूरा मर जाता है। इसके बाद योगिरी एक बंदे की आंखों की तरफ उंगली करता है, जिसके बाद उस बंदे को दिखना बंद हो जाता है और वो तड़प तड़प कर नीचे लेटने लगता है। ये सब देखने के बाद मीरी की हालत टाइट हो जाती है। वो योगिरी से कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर पे मेरे बच्चे माँ बाप सब है, मुझे जाने दो। योगिरी उनसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर लोगों को पकड़ो और उन्हें बेच दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि योगिरी उनकी तरफ उंगली करता है और उन्हें मरने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों मरते नहीं है, वहाँ से भाग जाते हैं। डोरो को लगता है कि ऐसा सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन तभी थोड़ी दूर जाने के बाद वो
दोनों भी गिरकर मर जाते हैं। जिसके बाद योगिरी और डोरू वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो उसे सवाल पूछते हैं। योगिरी कहता है कि हम तो यहां पर घूम रहे थे, हमें नहीं पता ये बंदे आखिरकार मरे कैसे। तभी उन गार्ड्स में से एक बंदा ये कहता है कि मुझे अपनी स्किल के हिसाब से ये लग रहा है कि इन दोनों के अंदर तो कोई भी स्किल नहीं है, तो इन्होंने ये काम नहीं किया होगा। तभी वो गार्ड उन दोनों के सामने आकर उनसे माफी मांगने लगता है। योगिरी उससे कहता है कि क्या तुम हमें रात को रुकने की कोई जगह बता सकते हो। तभी वो गार्ड्स उन दोनों को लेकर एक कासल के अंदर चले जाते हैं, जहां पर वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। लेकिन तभी डोरो के सामने एक भूत आ जाती है और ये भूत काफी ज्यादा मोटी थी। डोरो को लगता है कि ये भूत उसकी बड़ी बहन जैसी है और इसके बाद ये दोनों बात करने लगती हैं। वो भूत ही बताती है कि मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो बंदा है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उससे मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे भी टपका ना दे। लेकिन ये मोटी तो पहले से मरी हुई है, तो ये दोबारा कैसे मरेगी। जिस पर डोरो उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो। उसके बाद वो मोटी ये बताती है कि मैं फिजिकल अटैक को छोड़कर तुम्हारी बाकी अटैक से रक्षा कर सकती हूँ, और वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे अंदर वो मैजिक इंस्टॉल होने से रोका था। जिस पर डोरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ये कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो मोटी ये कहती है कि इस मैजिक के काफी सारे फायदे तो हैं, लेकिन ये मैजिक तुम्हारे अंदर इंस्टॉल होने के बाद तुम उस बड़े मैजिशियन के अंदर आ जाती हो और उसके कब्जे में भी। इसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी वो मोटी ये कहती है कि तुम्हें सिर्फ मैंने प्रोटेक्ट किया है और बाकी का मुझे नहीं पता, और मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेजने में तुम्हें एक टेक्निक भी सिखाने वाली हूँ। अगले सीन में हम डोरो और योगिरी को एक होटल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर होटल का स्टाफ जो कि एक लड़की होती है उन्हें अटेंड करती है और उनकी हेल्प भी करती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उन दोनों को कैपिटल में जाने के लिए टिकट्स भी देती है। योगिरी उस लड़की को अपना सारा खजाना संभालने के लिए देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन से कैपिटल के अंदर जा रहे होते हैं और योगिरी अपना मस्त गेम के अंदर लगा होता है। तभी डोरो उससे पूछती है क्या तुम भी इस मोटी को देख सकते हो। तभी योगिरी कहता है कि जब से तुमने मुझे इसके बारे में बताया है तब से मैं इसे देख सकता हूँ, और ये इतनी मोटी है तो किसी को दिखेगी क्यों नहीं। तभी अचानक उनकी ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है जिससे ट्रेन की छत पूरी की पूरी उड़ जाती है और योगिरी डोरो को लेकर नीचे गिर जाता है। अगली सीन में हम दोबारा से उन्हीं गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने डोरो और योगिरी को पहले पकड़ा था, लेकिन अब वो एक लुटेरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं गार्ड्स में से एक लड़की जिसका नाम लीना होता है वो उस बंदे की आंख निकाल लेती है और उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि लीना उसे काट लेती है। अबे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसको देखने के बाद सारे चौंक जाते हैं। तभी एक गार्ड ये बताता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, लीना एक वैम्पायर है और जब भी ये किसी को काटती है तो इसका खून उस बंदे के खून में मिक्स हो जाता है, जिससे उस बंदे की एबिलिटीज पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीना के मैजिक और काटने के बाद भी उस बंदे पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही उसकी आंख सही होती है। इसके बाद अचानक वहां पर एक और बंदा आ जाता है जो कि एक मैजिशियन होता है। दूसरी तरफ हम दोबारा से योगिरी और डोरो को देखते हैं और ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि दूर एक मैजिशियन एक एग्रेसर से लड़ाई कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि डोरो योगिरी से कहती है कि तुम इन दोनों को मार क्यों नहीं देते, ये दोनों वैसे भी हमारे रास्ते में आ रहे हैं तो इनको मारकर साइड करो ना। योगिरी ये कहता है कि मैं ऐसे इन दोनों को नहीं मार सकता क्योंकि ये दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हैं, अगर ऐसे ही मेरे रास्ते में और भी लोग आने लगे तो क्या मैं सबको मार दूंगा, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं कि वो मैजिशियन और एग्रेसर उसके पास आ जाते हैं, जिसमें से एक मैजिशियन आम लोगों पर अटैक कर देता है, दूसरी तरफ ये मैजिशियन लीना पर अटैक कर देता है, लेकिन लीना पर इसका कोई भी असर नहीं होता। लीना उससे पूछती है कि तुम्हारी थोड़ी सटक गई है क्या, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हें जाकर डीमन लॉर्ड को मारना है। जिसके बाद इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये खतरनाक ब्लास्ट करके पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये वाला मैजिशियन योगिरी और डोरो से कहता है कि तुम्हें एक मैजिशियन को देखने के बाद उसके सामने घुटने टेक देने चाहिए। ये बंदा अपनी बातें खत्म ही कर रहा होता है तभी योगिरी उसे अपने अटैक से मार देता है और ये इंस्टेंट मर जाता है। तभी वो एग्रेसर ये कहता है कि मेरा तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही घूमने और खेलने आया था। देख रहे हो योगिरी ने इस एग्रेसर की भी बैंड बजा दी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीना उस मैजिशियन के अटैक से बच जाती है और ये कहती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतने आराम से मार दोगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मुझे मारना। जिसके बाद वो उस मैजिशियन को उठाकर सीधा नीचे फेंक देती है। यहाँ हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो के पास जो एग्रेसर होता है वो उनसे कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। योगिरी उससे पूछता है कि क्या तुम हमें वापस घर भेज सकते हो। वो एग्रेसर कहता है कि नहीं मुझे बस अपने घर जाने का रास्ता पता है, तुम्हारे घर जाने का नहीं। अगली सीन में हम देखते हैं कि गार्ड्स को वो मरा हुआ मैजिशियन मिला होता है जिसके बारे में लीना और शीला आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद शीला वहां से चली जाती है और लीना अपने एक गार्ड को बुलाकर उससे ये कहती है कि मोटल आर्मी को लेकर जल्दी से जल्दी हानाबूसा की तरफ जाओ। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो मोटी डोरो को एक हथियार देती है जो कि उसने उस एग्रेसर की बॉडी से बनाया होता है। वो मोटी भूत ये बताती है कि ये वाला टूल किसी भी शेप के अंदर चेंज हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो सिटी के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर डोरो
उससे पूछती है, क्या तुम नहीं चाहते अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना? जिस पर योगिनी कहता है कि मैं क्या करूंगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं पलक झपकाकर किसी को आराम से टपका सकता हूं। जैसे ये पीछे देखो, ये डीमंस और चोर हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें भी सबक सिखा दिया। ये सब देखकर डोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये कहती है, इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिसके बाद योगिनी उससे कहता है कि मेरी स्किल्स की कोई भी लिमिट नहीं है, मैं चाहूं तो कितने भी बंदों को आराम से टपका सकता हूं। ये सुनने के बाद डोरो काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों सिटी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें हर जगह पर बैरियर्स दिखते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर सामने चमचमाती बिल्डिंग पर पड़ती है, जो कि एक होटल होता है। योगिनी कहता है कि हां, उस लड़की ने मुझे इसके बारे में बताया था और अब हमें कुछ समय के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। जिसके बाद वो सारे अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने उनका एक क्लासमेट आ जाता है जिसका नाम होता है टाचीबाना। डोरो से पूछती है कि सारे बंदे तो फॉरेस्ट में है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी टाची ये बताता है कि मैं उनसे अलग हो गया था। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़ी हुई लड़की ये पूछती है, अरे ये लड़की कौन है? तभी टाची उससे कहता है, अरे अरे गुस्सा मत करो, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। और टाची ये बताता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ खड़ी हैं, ये सारी की सारी मेरी बॉडीगार्ड्स हैं। जिसके बाद वो सारी लड़कियाँ एक एक करके अपना नाम बताने लगती हैं, लेकिन वो सब काफी ज्यादा एटीट्यूड में होती हैं। तभी हम देखते हैं कि योगिनी डोरो से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पास कौन सी पावर है, लेकिन इसके पास जो भी पावर है उसको लेकर ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर हम देखते हैं कि टाचीबाना डोरो से कहता है, क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनोगी? ये सुनने के बाद डोरो चौंक जाती है और बिल्कुल पत्थर की तरह फ्रीज हो जाती है। वो कहता है कि वैसे मैं लड़कों को अपने साथ नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे साथ अगर ये रहेगा तो मैं इसे भी अपना सर्वेंट बना ही लूंगा। जिसके बाद डोरो योगिनी से कहती है कि तुम कुछ करोगी भी या बस सुनते रहोगे? योगिनी कहता है कि इस बंदे के पास पहले ही काफी कम दिमाग है, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा इसे मारने का। इसके बाद हमें पता लगता है कि टाचीबाना एक डोमिनेटर होता है जिसका रैंक काफी ज्यादा हाई होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर टाचीबाना अपने दोस्तों से दूर एक टेबल पर बैठा होता है, जहां उसके पास एक चश्मिश बंदा आता है। वो उससे कहता है कि देखो टाचीबाना, अगर हम में से कोई भी मैजिशियन नहीं बन पाया तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें काफी सारे लेवल 1 के सर्वेंट्स को रख लेना चाहिए। अगर वो किसी मॉन्स्टर को मारेंगे तो उनका एक्सपीरियंस तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा, इससे तुम्हारा लेवल भी बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर योगिनी उससे कहता है कि इसका मतलब अगर तुम्हारे सर्वेंट का नंबर बढ़ेगा तो तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज होगा। जिस पर टाचीबाना कहता है कि हां बिल्कुल ऐसा ही है, और डोरो तुम चाहो तो अब भी मेरी मिस्ट्रेस बन सकती हो, अगर तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो ले लो और सोचकर मुझे बता देना। जिसके बाद टाचीबाना वहां से चला जाता है। अगली सीन में हम लीना को देखते हैं जो कि एक एग्रेसर के सामने हवा में उड़ रही होती है, और इस वाले एग्रेसर का नाम होता है डार्कनेस। लीना ये कहती है कि इस वाले बंदे को मारने में मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ हम डोरो को देखते हैं जो कि अपनी विंडो से बाहर देख रही होती है। तभी वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कितने टाइम यहाँ पर रुकेंगे। तभी वो मोटी कहती है कि मुझे लगता है योगिनी के जागने तक। डोरो से कहती है कि जल्दी जाओ, तुम योगिनी को चेक करो कि वो जागा है या फिर नहीं, लेकिन वो मोटी वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक सिटी के अंदर काफी सारी गाड़ियां आती हैं, जिनके अंदर इमोर्टल कॉप्स बैठे हुए होते हैं, और ये सारे लीना के फॉलोवर्स होते हैं, जिनको देखने के बाद डोरो अपनी विंडो पर कर्टन डाल देती है और लेट जाती है। जिसके बाद वो मोटी डोरो को ये बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे रूम के बाहर से हमें कोई देख रहा है और उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनने के बाद डोरो फटाफट से योगिनी को फोन लगाती है, लेकिन योगिनी अपना बिल्कुल घोड़े बेचकर सो रहा होता है और एक मस्त सपना देख रहा होता है। सपने में योगिनी एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि सपने के अंदर भी सो रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी डोरो की कॉल आती है और योगिनी उड़ जाता है। डोरो से सारी बात बताती है और योगिनी उसके कमरे में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर जाता है उसे ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि डोरो के रूम पर अटैक करने वाला है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक लड़की है, वो तभी उस लड़की को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद योगिनी अंदर जाकर डोरो को सारा कुछ बताता है कि इस लड़की का टारगेट तुम ही थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टाचीबाना की एक सर्वेंट थी। तभी हम देखते हैं कि टाचीबाना का उस लड़की से कनेक्शन टूट जाता है। जिसके बाद योगिनी कहता है कि हमने उसकी बॉडीगार्ड को मार दिया है, तो हो सकता है आगे चलकर हमें उससे भी फाइट करनी पड़े, तो बेहतर है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टाचीबाना पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वो बैरियर बनाकर उससे बच जाता है, जिसके बाद वो एक काफी खतरनाक मैजिक अटैक करके उसको लुढ़का देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है बल्कि अपना सर्वेंट बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि टाचीबाना ये देखता है कि उसका कनेक्शन एरी से टूट चुका है। फिर वो एक रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ पर एरी आराम से अपने आप ही जमीन पर गिर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ कैसे। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लीना को देखते हैं जो इस एग्रेसर के सर में काफी खतरनाक वार करके उसकी खोपड़ी में से आर पार हो जाती है। जिसके बाद लीना ये कहती है कि मैं इस डार्कनेस पर कितना भी अटैक कर लूं, लेकिन इस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगिनी और डोरो उस होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने टाचीबाना की एक और सर्वेंट आ जाती है जो कि उन
दोनों को बर्फ में फ्रीज कर देती है, लेकिन योगिरी उसकी बर्फ को तोड़कर आराम से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीजा उस पर एक और अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर से उसके अटैक को खत्म कर देता है और उसकी वॉन्ड को भी मरने के लिए कह देता है। जिसके बाद उसकी छड़ी अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद योगिरी उससे ये पूछता है कि अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं किसी भी चीज को आराम से टपका सकता हूँ या फिर तोड़ सकता हूँ, तो जो भी मैं पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देना, ज्यादा होशियारी मत करना। योगिरी उससे पूछता है कि तुम्हें तो हमें पकड़ने का ऑर्डर मिला है ना, तो बाकी सब कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कोई और डोरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी डोरो उसे पकड़कर जोर जोर से घुमाकर नीचे पटक देती है, जिससे उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। लेकिन जैसे वो देखते हैं ये तो एक डॉल होती है और उनके चारों तरफ काफी सारी डॉल्स आ जाती है जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेती है। इससे पहले रीजा कुछ कर पाती तभी योगिरी उस पर अपना अटैक करके रीजा को भी टपका देता है। आगे हम देखते हैं कि ये सारा कुछ चेल्सी कर रही होती है। उसी ने इन डॉल्स को ऑर्डर दिया था कि वो योगिरी और डोरो को मार दे। उसके ऑर्डर मिलने के बाद ये सारी डॉल्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन योगिरी अपने एक ही अटैक से उन सारी डॉल्स को टपका देता है। उसके बाद ये दोनों चेल्सी के पास जाते हैं, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रही होती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टाचिबाना को रीजा के मरने का पता लग जाता है और वो अपनी स्किल से ये पता लगा लेता है कि योगिरी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है और मुझे इन दोनों को एक ऐसी जगह पर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर मैं इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं। अगली सीन में हम देखते हैं कि योगिरी और डोरो सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने काफी सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं। डोरो योगिरी से कहती है कि फटाफट इन सबको मार दो, लेकिन योगिरी कहता है कि मैं इन सबको मार तो दूंगा लेकिन मरने के बाद ये सारे के सारे हमारे सर पर आकर गिरेंगे। जिस पर डोरो कहती है नहीं 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 इनको मत मारो। इसके बाद वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन टाचिबाना उन पर नजर रख रहा होता है। वो ये कहता है कि अच्छा योगिरी तुम अपनी पावर का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते जब तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, तो अब मेरा नंबर है तुम्हें मजा चकाने का। वो कुछ करने ही वाला होता है लेकिन तभी यूफेमिया उसको रोक देती है, लेकिन टाचिबाना उसकी बात नहीं मानता और वो उन कॉकरोचेस को उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। योगिरी कहता है कि ये सारे कॉकरोचेस हमें मारने वाले हैं लेकिन मैं इनके कमांडर का पता लगाता हूँ, और वो कुछ देर बाद उनके कमांडर का पता लगा लेता है और उसे जैसे ही टाचिबाना दिखता है वो तभी टाचिबाना को भी टपका देता है। जिसके बाद वो सारे कॉकरोचेस फ्री होकर उड़ने लगते हैं। डोरो योगिरी से कहती है कि तुम इन्हें नहीं मारोगे। योगिरी कहता है कि मैं ऐसे ही बिना फालतू में किसी को भी नहीं मारता, अगर ये हमारे सामने आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन्हें मार दूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाचिबाना की एक और सर्वेंट उस पर अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तभी यूफेमिया ये कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं आजाद हूँ, लेकिन जैसी वो रूम से बाहर निकलती है उसके चारों तरफ रेगिस्तान होता है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी लीना उसके सामने आ जाती है और उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद यूफेमिया अपनी गर्दन खुद ही आगे कर देती है। लीना उसकी गर्दन पर काटते हुए ये कहती है कि चलो अब तुम मेरी फॉलोअर बन जाओ और तुम्हें जो कुछ भी पता है फटाक से मुझे बता दो। अगले सीन में जब डोरो और योगिरी उस होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर ज़ॉम्बीज़ ने तहलका मचा दिया है और ये सभी पर अटैक कर रहे हैं, जिसको देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और भी एनिमे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।